अभी तक हमने इस चैप्टर में यह सीखा है कि किसी कंडक्टर के अंदर जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो चार्ज फ्लो होते हैं और चार्ज जब फ्लो होते हैं तो करंट फ्लो करता है। लेकिन एक्चुअली में कंडक्टर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जिसके कारण से ये करंट फ्लो करता है, ये अभी हमें समझना बाकी है। तो ये हम लोग सीखेंगे मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। जैसे कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के में कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया गया है, इसका मतलब यह है कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन द ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पेस में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम ट्रेवल करते रहते हैं, है ना। किसी नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो इधर उधर ट्रेवल करते रहते हैं जिगजैग पाथ पर। बिल्कुल उसी तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑब्सेंस में बहुत ही हाई स्पीड से इधर उधर जिगजैग पाथ पर ट्रेवल करते रहते हैं। कुछ इस तरह से जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये जाएगा इधर कहीं, यहां पर मान लेते हैं कि किसी लैटिस स्ट्रक्चर या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कहीं या किसी एटम से टकरा करके ये मुड़ जाता है, है ना, इधर आया, फिर यहां पर टकराया, यहां पर टकराने के बाद यहां चले गया, फिर यहां पर टकराया और यहां से टकराने के बाद इधर आ गया ये, है ना। हो सकता है फिर यहां पर टकराए और टकराने के बाद फिर से वापस जाए। तो इस तरह से ये जिगजैग पाथ पर ट्रेवल करता रहता है। इसका जो एवरेज स्पीड होता है वो करीब करीब होता है 10^6 मीटर पर सेकंड के आसपास, है ना, मतलब इससे कम ज्यादा भी हो सकता है। तो इस स्पीड के आसपास स्पीड होता है जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमते रहते हैं, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पर जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया हो, है ना। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी एक्वायर करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट होने लगते हैं या कहते हैं कि उसको ड्रिफ्ट होने लगते हैं, है ना। इस केस में करंट जो है वो जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है तो हम लोग कहते हैं कि नेट करंट है जीरो, क्योंकि ये जिगजैग पाथ पर ये ट्रेवल कर रहे हैं। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन से क्या होगा, जितना चार्ज इधर जा रहा होगा उतना इधर जा रहा होगा, है ना, तो नेट करंट हो जाता है जीरो। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब चार्जेज का ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया यहां पर इस डायरेक्शन में, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था ऐसे, है ना, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इधर आ गया तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर, तो इधर जाने के बदले में ये कहीं ऐसे निकल जाएगा, है ना, कुछ ऐसे चले जाएगा, आगे चले जाएगा। अब हो सकता है यहां से टकरा करके इसको आना था इधर, है ना, इधर आना था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर एक फोर्स लगाएगा तो ये घूम करके ऐसे चले जाएगा, है ना। तो अब समझ सकते हैं कि इसको यहां से अगर हो सकता है इधर आना आता है, लेकिन अब ये चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ा सा उधर चले गया, यानी थोड़ी सी इधर शिफ्टिंग हो गई। अब यहां पर फिर टकराया, फिर टकराने के बाद ये हो सकता था कि ये इधर जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इधर घूम करके रह जाएगा, मतलब जाना था इधर लेकिन चले जाएगा इधर। तो ये थोड़ा थोड़ा जो है ये फिर अगले बार टकराएगा, कहीं ऐसे जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो बार बार इधर आता जाता रहता था अब इधर आता जाता नहीं रहेगा, थोड़ी थोड़ी उसकी शिफ्टिंग होने लगेगी। और ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होने लगा है, है ना। तो कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ये ड्रिफ्ट होने लगेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब किसी क्रॉस सेक्शन को कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे होंगे और इसलिए कहेंगे कि अब करंट फ्लो करने लगेगा। हेंस
करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। ठीक, तो जैसा कि मैंने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तब भी इनके पास स्पीड है, तब भी कुछ इनके पास काइनेटिक एनर्जी है ना। ये वाली काइनेटिक एनर्जी तब भी बनी रहती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, लेकिन अब उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी आती है। ठीक है, जैसे कहेंगे कि यहां पर एक कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है ना, तो यहां से यहां जाने के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको एक्सेलरेट कर रहा होगा, है ना। ये एक्सेलरेट करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर थी, मतलब कि थर्मल मोशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, वो काइनेटिक एनर्जी यहां पर भी रहेगी लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क कर दिया इसके ऊपर, तो थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी। अगर मैं कहूं कि यहां पर के नॉट काइनेटिक एनर्जी थी, तो यहां पर के नॉट प्लस डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये जो डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी आई है ये आती है किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। और जैसे ही जाकर के यहां कोलिजन होता है, तो कोलिजन से जस्ट पहले इसकी एनर्जी इतनी है, लेकिन जैसे ही कोलिजन होगा ये डेल्टा के जो है वो गायब हो जाएगा, यानी उसने जितना भी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी एक्वायर किया है वो सारी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर वहां पर मतलब कह सकते हैं कि जीरो एक्स्ट्रा वेलोसिटी से चलेगा। फिर अगली बार जब चलेगा यहां से यहां, अगला कोलिजन यहां पर हुआ तो यहां से यहां जाने के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कुछ एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो कुछ उसके पास काइनेटिक एनर्जी फिर से आएगी एक्स्ट्रा वाली, है ना। और जो एक्स्ट्रा वाली आएगी फिर यहां कोलिजन होते हुए एक्स्ट्रा वाली फिर से गायब हो जाएगी। तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जब किसी कंडक्टर के अंदर चलता है तो बार बार उसका कोलिजन होता रहता है, और जब भी कोलिजन होता है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी उसने एक्वायर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो जीरो हो जाती है, यानी कि वो लॉस हो जाती है। जब वो लॉस होती है वो हीट के फॉर्म में लॉस होती है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस जब होता है तो रेजिस्टेंस के पास हीट लॉस होता है आई स्क्वायर आर, तो ये जो हीट लॉस है वो यही वाली काइनेटिक एनर्जी होती है ना। यही काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो हीट के फॉर्म में लॉस्ट होती है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो बार बार कोलिजन होते रहते हैं। दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो भी टाइम लेता है इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने में, उसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। आप देखेंगे यहां पर डेफिनेशन बताया गया है रिलैक्सेशन टाइम का, इट इज एवरेज टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एवरेज टाइम इसलिए कहा गया कि हर कोलिजन के लिए, हर दो कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप होता है वो इक्वल नहीं होता है, किसी में कम टाइम लगा होगा किसी में ज्यादा टाइम लगा होगा, तो उसका हम लोग एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं, और वो एवरेज वैल्यू जो है वो ये है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, उसी तरह से एक टर्म होता है इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब हुआ कि दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। एवरेज डिस्टेंस इसलिए क्योंकि हर दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमेशा इक्वल नहीं होते। ठीक है, कभी कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कभी ज्यादा ट्रेवल किया होगा, है ना। आगे वाले कोलिजन में ज्यादा हो सकता है, फिर उसके आगे वाले कोलिजन में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उनका एवरेज निकालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ, है ना। तो जैसा कि हमने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उतना, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो फोर्स जो है वो है ई इंटू ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेलरेशन हो गया, है ना। तो अगर पता किया जाए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इस रिलैक्सेशन पीरियड में, इसका डेफिनेशन क्या लिखा है एक बार देखते हैं। इट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पीरियड, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कुछ इस तरह से निकाला जा सकता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि एक्सेलरेशन यहां पर कॉन्स्टेंट है,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। अब हमें पता है कि हर कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है ना, यानी कि ये वाला जो है जीरो हो गया इनिशियल वेलोसिटी। फिर बीच में कुछ वो वेलोसिटी एक्वायर करता है, वेलोसिटी एक्वायर करता है यानी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है। अगली बार जब भी कोलिजन होता है तो वो वेलोसिटी जो उसने एक्वायर किया था वो जीरो हो जाता है, फिर से रेस्ट पर आ जाता है। लेकिन जब वहां से फिर से उसको टक्कर के बाद फिर से क्या होता है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करके अगले जब तक कोलिजन नहीं होता तब तक फिर से उसको वेलोसिटी मिलती है, उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। लेकिन जब तक अगला कोलिजन फिर होता है फिर से वो एनर्जी जीरो हो जाती है, वो फिर से स्पीड गायब हो जाता है ना। तो इसी तरह से अगर हम बात करें ये डिस्टेंस की यानी मीन फ्री पाथ की, तो इसको लिख सकते हैं हाफ एक्सेलरेशन आया है ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम ई इंटू रिलैक्सेशन टाइम का स्क्वायर, है ना। ये हो गया मीन फ्री पाथ लैम्डा, ठीक है। अब एक टर्म आता है ड्रिफ्ट स्पीड, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था जब हम लोग करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, ये होता है इट इज एवरेज स्पीड एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पीरियड। मतलब ये है कि अगर यहां पर एक कोलिजन हुआ तो इसकी वेलोसिटी यहां तो जीरो होगी, फिर जब तक अगला कोलिजन होता है ना, तो इसके बीच में जो एवरेज वेलोसिटी वो एक्वायर करेगा उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ड्रिफ्ट स्पीड का जो फॉर्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इंटरवल, है ना। एवरेज वेलोसिटी हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इंटरवल। तो यहां से आना चाहिए लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा का वैल्यू अपना आया है हाफ ई बाई एम ई इंटू टॉ स्क्वायर डिवाइडेड बाई टॉ, है ना। तो ये आ जाएगा ई टॉ डिवाइडेड बाई टू इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये ड्रिफ्ट स्पीड आना चाहिए क्योंकि ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला बताया गया है ड्रिफ्ट स्पीड का उसमें नीचे टू वाला फैक्टर नहीं आता। क्यों, इसमें इस तरह से फाइंड करते हैं, कहते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लगाया जाता है ना। एक्चुअली में वो वाला ज्यादा करेक्ट फॉर्मूला है। एच सी वर्मा आप देखेंगे कि ये वाला ड्रिफ्ट स्पीड का ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना, जबकि एनसीईआरटी में देखेंगे यहां से जो निकलता है यू का वैल्यू जीरो कर देंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू आएगा, एक्सेलरेशन है यहां से ई ई डिवाइडेड बाई मास इंटू टॉप। तो देखेंगे ये ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो अलग है और वो वाला अलग है ना, इसका जस्ट वो आधा आया है। तो जब भी आप बोर्ड में कोई क्वेश्चन को सोल्व करें या उसमें ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू बताएं तो आपको ये बताना चाहिए जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। जबकि मेरे ख्याल से करेक्ट जो है वो ये होना चाहिए, क्योंकि एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल। तो ये करेक्ट तरीके से फाइंड किया गया है, डिराइव किया गया है, इसलिए ये वाला बेटर रिजल्ट है ना। जबकि एनसीईआरटी में ये दिया गया है, ये आप कह सकते हैं कि कोलिजन के बीच में जो इसने फाइनल वेलोसिटी एक्वायर की है वो है ये, है ना। जबकि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, ये कहा जाता है कि ये एवरेज स्पीड है। तो इसलिए आप ये दोनों फॉर्मूला याद रखें, लेकिन जब भी बोर्ड के एग्जाम में किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू रखेंगे तो इस फॉर्मूले को